Hello everyone, this is Yogita and you're watching your own channel English Finishing School. So guys, सबसे पहले आपका ढेर सारा शुक्रिया हमारे क्यू कार्ड्स के वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए. हमारे सब्सक्राइबर्स के इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है. तो ऐसी ही एक उम्मीद के साथ, ऐसी ही एक नई आशा के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं राइटिंग वीडियोस, यानी कि कंप्लीट आइल्स राइटिंग सीरीज, वेयरिन आपको मिलेंगे राइटिंग सेक्शन के ऊपर ऐसे ऐसे धमाकेदार वीडियोस जो आपके आइल्स की प्रेपरेशन को ले जाएंगे एक नई दिशा में. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो. और अगर आप अपने आइल्स के एग्जाम को लेकर वाकई में सीरियस हैं तो आज के इस वीडियो को मत छोड़िएगा, बिकॉज दिस विल ब्रिंग अ न्यू डायमेंशन टू योर आइल्स प्रेपरेशन. सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना, बिकॉज वही एक जरिया है आपका और हमारे कनेक्शन का कि जब भी हम अपना नया वीडियो पोस्ट करें आपके YouTube की घंटी बजे और आप हमसे कनेक्टेड हो जाओ, जुड़ जाओ और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन में एक चार चांद लगा दो. तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. आइल्स राइटिंग सेक्शन, सबसे पहले क्विकली मैं फॉर्मेट बता देती हूँ. जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक. एकेडमिक आपको पता है, स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाके अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, एंड जनरल ट्रेनिंग जो कि पीआर के लिए यानी कि फाइल लगाना चाहते हैं वहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप के लिए. तो आईएलटीएस एकेडमिक में आपका टास्क वन और टास्क टू, दो टास्क रहते हैं. टास्क वन इज 150 वर्ड्स का, आपको रिपोर्ट लिखना है बेस्ड ऑन बारग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम और एनीथिंग. टास्क टू है एसे राइटिंग, विच इज सेम फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक, जिसमें आपको एक एसे लिखना होता है. और टास्क वन जो है जनरल ट्रेनिंग का डिफरेंट रहता है, लेटर राइटिंग. टास्क वन 150 वर्ड्स का, टास्क टू 250 वर्ड्स का. आई थिंक ये आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया है. अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि आइल्स एकेडमिक और जीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. टास्क वन एकेडमिक और टास्क टू दोनों, यानी कि एकेडमिक और जीटी, विच इज पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग, सबसे पहले इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है. पैराफ्रेजिंग है क्या? पैराफ्रेजिंग सिंपल भाषा में बोले तो वर्डिंग को चेंज करना है. कौन सी वर्डिंग को चेंज करना है? आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है टास्क वन में जो आपको स्टेटमेंट होता है, और टास्क टू में एक ऐसे राइटिंग का स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपको, जब आप अपना ऐसे शुरू करते हो या टास्क वन अपनी रिपोर्ट शुरू करते हो, एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है. आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? आप वर्डिंग को चेंज करके लिखेंगे, जिसको हम दूसरी भाषा में रीफ्रेजिंग बोलते हैं, रीफ्रेमिंग बोलते हैं, कि रीफ्रेमिंग और रीस्ट्रक्चरिंग. अभी पैराफ्रेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप पैराफ्रेजिंग करें बिना क्वेश्चन को एज इट इज, स्टेटमेंट को एज इट इज, इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज की सही क्वालिटी एग्जामिनर को नहीं दिखा पाते, जिससे आपका स्कोर चला जाता है नीचे. तो ये तो है बेसिक फंडामेंटल की रीफ्रेजिंग रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है. इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही वर्डिंग चेंज करके लिखते हैं. अभी आप देखिए, अगर आप छोटे बच्चे को ब्लॉक्स के साथ खेलते हुए देखते हैं तो वो बच्चा क्या करता है? ब्लॉक्स के अलग अलग पीसेस को जोड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार करता है. अब यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में सिर्फ हाउसेस लिए हैं, यानी कि वो ब्लॉक्स की शेप्स को अलग अलग यूज करके हाउसेस की अलग अलग शेप्स को बना रहा है. ऐसे ही आप उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करके बिना मीनिंग को चेंज किए, यानी कि अगर आपके इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट मीनिंग चेंज कर देती है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, तब वो पैराफ्रेजिंग नहीं होगा. पैराफ्रेजिंग का मतलब है वर्डिंग को चेंज करना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और वो आर्ट आप में होनी चाहिए. वो लैंग्वेज की आर्ट आप कैसे तैयार करोगे, बहुत ही सिंपल से तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. बेटर वोकैबुलरी बूस्ट वर्ड्स. अब देखो, ऑफकोर्स वर्ड्स तो हम सबके पास हैं, वर्ड्स हर लिखता है, गुड बैड है ना, हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी है. लेकिन अगर इसी वोकैबुलरी को हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे, उसी चीज के तो हमें मार्क्स मिलने हैं, उसी चीज से तो हमारा बैंड स्कोर बढ़ना है. तो बेटर वोकैबुलरी बूस्ट वर्ड्स, इस पर्टिकुलर कोट को हमेशा याद रखना. अच्छी वोकैबुलरी आपको राइटिंग में अच्छा स्कोर लाके देगी. तो उसके लिए जरूरी है कि पैराफ्रेजिंग में भी आप एक अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें. नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन, एक नॉलेज होना. अगर हम बात करें पैराफ्रेजिंग की, तो नॉलेज होना, यानी कि पैराफ्रेजिंग की नॉलेज है आपको, आप पैराफ्रेजिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो. अंडरस्टैंड करना कि अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर लाइन
किसी और अलग तरीके से वहां पे लिखी हुई है, तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों लाइनें सेम है। ये चीज होती है नॉलेज जहां आपकी अप्लाई होती है रीडिंग में। आईएलटीएस के रीडिंग सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैराफ्रेज्ड होते हैं, तो आपको अगर पैसेज में ढूंढना है, अगर आपको पैराफ्रेजिंग की अच्छे से नॉलेज है, तो आप अच्छे से यूज करके उसको वहां पे ढूंढ पाएंगे। तो एप्लीकेशन जो आती है वो राइटिंग सेक्शन में, जहां पे आप खुद पैराफ्रेज करके दिखाते हो। तो दोनों ही केसेस में नॉलेज और एप्लीकेशन का ये कॉम्बिनेशन आपको दिमाग में रखना है। नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज के क्या सिमिलर वर्ड्स आप पैसेज में यूज किए गए हैं, या एक नए तरीके से सेंटेंस को रीफ्रेम करके वहां पे रखा गया है और उसको अप्लाई करना, यानी कि उसको लिखना आना चाहिए, जो कि राइटिंग सेक्शन में बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें याद रखने हैं पैराफ्रेजिंग के लिए, यूज ऑफ सिनोनिम्स का यूज करके। पहली चीज जो हमें याद रखनी है, आपको बहुत सारे सिनोनिम्स आने चाहिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आया, उसके अंदर जो जो वर्ड्स हैं उनके सिमिलर वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, और बेटर वर्ड्स ऑफ कोर्स। चेंजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज सिंपल, आप सबने 10th तक 12th तक ग्रामर पढ़ी है, तो उस ग्रामर की स्ट्रक्चर को हम चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्टिव और पैसिव पढ़े हैं, तो एक्टिव से पैसिव में बदल दें। अगर आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट एक्टिव है तो उसे पैसिव में बदल दें, एंड उसका तरीका आपको सिंपल फंडामेंटल रूल से आ जाएगा कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव बदलते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस को लिखने के तरीके होते हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कट दिखाऊंगी विजिबल विद एग्जाम्पल्स कि किस तरह से आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव बदले बिना भी। ऐसे बहुत से तरीके हैं। सो आगे चलते हैं। अभी आपके पास एक ओरिजिनल सेंटेंस स्क्रीन पे दिखाई देगा, एंड आप उस ओरिजिनल सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, एंड फिर उसके बाद पैराफ्रेज सेंटेंस भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग तरीकों से आप पैराफ्रेजिंग को इस्तेमाल करके अपने बैंड स्कोर को बेटर बना सकते हैं। ओरिजिनल सेंटेंस यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज को पैराफ्रेज करने जा रहे हैं या बदलने जा रहे हैं, तो पहले तो उसको समझना पड़ेगा। तो समझिए सेंटेंस को। अर्ली मतलब स्टार्टिंग में जो हो जाता है, सिम्टम्स जैसे हम कहते हैं लक्षण, किसी चीज के लक्षण, और COVID-19 क्योंकि ये बहुत डेडली डिजीज है, हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, तो मैंने उसी डिजीज की यहाँ पे बात की है। इंक्लूड क्या क्या चीजें आती हैं, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, हम लक्षणों की बात करें, COVID-19 के स्टार्टिंग लक्षणों की फीवर हो जाता है और नेजल कंजेशन, नोज में आपके कंजेशन मतलब आपको ब्लॉकेज फील होती है। कंजेशन मीन्स थोड़ा सा सफोकेशन फील होना। अब ये एक ओरिजिनल सेंटेंस है। ये इसी तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में इसी का अगर पैराफ्रेज्ड फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको हर वर्ड का सिनोनिम पता होना चाहिए। यू हैव टू वर्क आउट, अगर नहीं पता तो आपको एक सेपरेट शीट पे वर्क आउट करना है। लेट अस सी द बेटर सिनोनिम्स फॉर दीज वर्ड्स व्हिच आर देयर। अर्ली का सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? अर्ली का सिनोनिम इनिशियल, यानी कि शुरुआती। प्रिलिमिनरी भी एक सिनोनिम है अर्ली का। बिगिनिंग आप वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रायर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। द क्रक्स ऑफ द होल थिंग इज कि आपको रिपीट नहीं करना। अगर आप अर्ली वर्ड को ही इंट्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो वो पैराफ्रेजिंग नहीं होगी, फिर तो आप लैंग्वेज दिखाई नहीं रहे। एग्जामिनर को पता लगना चाहिए आपके पास लैंग्वेज की पावर है। लाइक दैट सिम्टम्स के अलग अलग सिनोनिम्स हैं, साइंस, इंडिकेटर, सिग्नल्स, मार्क्स, ये सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। COVID-19 का ऑफकोर्स कोई सिनोनिम्स नहीं है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो फीवर, फीवर के लिए आप हाई इन टेम्परेचर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिवेटेड मीन्स हाई, एलिवेटेड टेम्परेचर बोल सकते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर लिख सकते हैं या हाई टेम्परेचर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया नेजल कंजेशन, ये एक टर्म है। ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ये अवॉइड कर सकते हैं। नेजल मतलब नोज से रिलेटेड है, तो नाक, स्टफी नोज वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेजल कंजेशन के लिए। स्टफ हो जाता है नोज पूरा आपका। एंड अगर आप कहीं, एंड एक कनेक्टर है, एंड को आप एज वेल एज भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से सिनोनिम्स के ऊपर वर्कआउट करना पहली चीज होती है, जिससे आपके इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से उभर के सामने आएगी। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन देखिए किस तरह से मैंने पैराफ्रेज किया सेंटेंस को। से पहले है ओरिजिनल सेंटेंस, सेम। अर्ली सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन। नाउ लेट अस लुक एट द पैराफ्रेज स्टेटमेंट हियर। टू मेजर प्रिलिमिनरी इंडिकेटर्स, मैंने यहाँ पे
इनिशियल वर्ड को प्रिलिमिनरी के साथ जोड़ा, और सिम्टम्स के लिए मैंने इंडिकेटर्स वर्ड का इस्तेमाल किया. टू मेजर, मेजर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, विच इज नॉट रॉन्ग थिंग टू डू. टू मेजर प्रिलिमिनरी इंडिकेटर्स ऑफ COVID-19 आर एलिवेटेड टेम्परेचर, फीवर को मैंने एलिवेटेड टेम्परेचर लिखा, एंड नेजल कंजेशन को मैंने ब्लॉकेज ऑफ नोज लिखा. सो दिस इज, आई हैव पैराफ्रेज विदाउट चेंजिंग द, मैंने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इंक्लूड की जगह पे आर लगा दिया. सो दिस इज हाउ आई हैव चेंज्ड इट. एग्जाम्पल नंबर टू, ओरिजिनल सेंटेंस मेरा सेम है. अर्ली सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग अलग तरीके से किया, मैंने फीवर को और नेजल कंजेशन को मैं आगे ले आई, लाइक अ स्टफी नोज नेजल कंजेशन एंड अ हाई टेम्परेचर फीवर, मैं उसको आगे ले आई. और उसके बाद मैंने बोला अ स्टफी नोज एंड अ हाई टेम्परेचर आर द इनिशियल साइंस ऑफ COVID-19, विच मीन्स ऑलमोस्ट सेम, इसमें कोई भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ. जो बात क्वेश्चन स्टेटमेंट में या ओरिजिनल सेंटेंस में बोली गई उसे कहीं भी मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एंड दिस इज ऑल पैराफ्रेजिंग इज अबाउट. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं. यहाँ पे मेरा ओरिजिनल सेंटेंस सेम है. अर्ली सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन. नाउ इफ आई लुक लुक एट पैराफ्रेजिंग, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को चेंज किया है. वन, वन हम क्यों यूज करते हैं? वन हम कोई भी इंसान, वन हम यूज करते हैं कोई भी इंसान, एनी वन, राइट? वन कैन बी सेड टू बी अफेक्टेड विद COVID-19. एक पर्सन को COVID-19 से अफेक्टेड तब माना जाता है इफ ही और शी, अगर वो ही और शी, मैंने क्योंकि वन लगाया तो कोई भी हो सकता है, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेजल कैविटी. अगर वो नेजल कैविटी में अपनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब अगेन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? ब्लॉकेज, कंजेशन. नेजल कैविटी, नोज को हम नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस करे, महसूस करे, एंड एन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, उसके बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज महसूस करे, और एज एन इनिशियल साइंस भी बोल सकते हो यहाँ पे साथ में, क्योंकि इनिशियल वर्ड को हमें लगाना साथ में जरूरी है, और इन द इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हो, लास्ट में आप लगा सकते हो. तो इनिशियल स्टेज हमने जब साथ में लगाया, पूरा का पूरा ओरिजिनल सेंटेंस आपके पास पैराफ्रेज होके सामने आ गया. एग्जाम्पल नंबर फोर देखते हैं. ओरिजिनल सेंटेंस सेम है. अर्ली सिम्टम्स ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड नेजल कंजेशन. नाउ लेट अस लुक एट द पैराफ्रेज्ड. फीवर एंड नेजल कंजेशन, मैंने वहां पे वर्ड्स चेंज नहीं किए और मैंने ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को चेंज किया. आर इंक्लूडेड एज कंसिडर टू बी, आप इंक्लूड की जगह पे मैंने पैसिव में लिखा आर इंक्लूडेड एज योर, और आर कंसिडर्ड टू बी, ये भी एक तरीका है इंक्लूड को सिनोनिम का. और आर मार्क्ड एज द बिगिनिंग सिग्नल्स, बिगिनिंग मैंने इनिशियल वर्ड अर्ली वर्ड के लिए यूज किया, सिग्नल्स मैंने सिम्टम्स के लिए यूज किया ऑफ COVID-19. ये मैंने इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज किया है. लेकिन अगर आप पैसिव कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की चेंज के साथ साथ सिनोनिम दोनों का कॉम्बिनेशन भी लेके चलते हो, दैट इज ऑल्सो राइट ऑन योर पार्ट. तो इस वीडियो में आज हमने सीखा है पैराफ्रेजिंग करना. आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है राइटिंग सेक्शन के ऊपर. सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया. ऐसे ही आईएलटीएस के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे साथ कनेक्टेड हों. थैंक यू.